मोली का बड़ा बयान आया है। प्रधानमंत्री ने जो अनुष्ठान किया था, जो व्रत रखा था 11 दिन का, कांग्रेस के बड़े नेता है टिप्पणी कर दिए कि मुझे शक हो रहा है। अब ये कांग्रेस नेता का विवादित बयान है कि मुझे शक हो रहा है कि प्रधानमंत्री ने व्रत रखा 11 दिन का। सोचिए, मतलब स्तरहीन राजनीति किसे कहते हैं, ये आपको दिख रही है। अरे रामलला का भव्य दिव्य मंदिर बना है, मतलब व्रत रखा है, इसमें मुझे शक हो रहा है। भाई प्रधानमंत्री जी के घर में रह ले जाकर। फिर तहसीन पूनावाला, क्या आपको लगता है कि ये जो पॉलिटिक्स है, ये नेगेटिव पॉलिटिक्स है? आप मुद्दों की बात करिए, लेकिन जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया, जिस तरह से कांग्रेस के नेता वीरप्पा मोइली को शक हो रहा है, अब क्या करें? तहसीन अमित जी, दिक्कत ये है कि मुद्दे बहुत है। भाजपा को हराना बेहद आसान है, देश में बहुत सारी परेशानी है, लेकिन विपक्ष का कम्युनिकेशन जो है उस पर थोड़ी सी, विपक्ष मुद्दे उठा ही नहीं रहा है, भाजपा के ट्रैप में गिरता है। अब देखिए, आप ही ने कहा, अमित जी मैं आपकी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, आपने कहा कि भारत की का जो स्टॉक मार्केट है दुनिया का चौथा नंबर पे, सबसे चौथा बड़ा स्टॉक मार्केट हो गया। बात पर मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ और बधाई हो इस पर। और इसी बात की तो दिक्कत है अमित जी, कि आज हम दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी इकॉनमी तो बने, लेकिन पर कैपिटा इनकम में हम 141 है, पर कैपिटा इनकम में 141, पर दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी इकॉनमी। यानी कि ये हैव्स और हैव नॉट्स, जिनके पास पैसा है, जिनके पास पैसा नहीं, इसमें सबसे बड़ी खाई आ जाएगी। ये राम राज्य नहीं है, भगवान राम के राज्य में सभी को बराबर का स्थान मिलता था। ये जो वीरप्पा मोइली शक कर रहे हैं, तहसीन, ये जो वीरप्पा मोइली शक कर रहे हैं, गौरव शांत, मैं आपसे बिल्कुल, मैं 10 सेकंड ले लूं जी, 20 सेकंड लीजिए, 10 सेकंड ले लूं। जो वीरप्पा मोइली जी, थैंक यू, आपका आभार। जो वीरप्पा मोइली जी ने कहा, ये बेवकूफी है। एक तो आपको किसी के भी रिलीजियस रिचुअल्स पर प्रश्न उठाने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन उसके अलावा हम अगर धर्म को एक बाजू छोड़ देते तब भी पॉलिटिकली किसका नुकसान होगा? कांग्रेस का नुकसान होगा। राहुल गांधी, आप राहुल गांधी से अग्री करो नहीं करो, एक वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा से एक वो नई पॉलिटिक्स करने की कोशिश करे, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करे, उस पर नुकसान होगा। आज मैं एक घंटे से आपके शो पे बैठा हूं, हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे कुछ बात नहीं करी। बात हम क्या कर रहे हैं? वीरप्पा मोइली की स्टेटमेंट पे। आपकी गलती नहीं है, आप वही कहोगे जो उन्होंने कहा। आप फोकस ले जा रहे हो, मुझे राहुल गांधी की न्याय यात्रा पे बात करनी थी, बात ही नहीं कर सकते क्योंकि तो ये लोग राहुल गांधी का नुकसान कर रहे हैं। अब इनको कब, अब मैं प्रभु राम से प्रार्थना करता हूं कि इनको प्रभु राम थोड़ी सद्बुद्धि दे। मैं भी ये प्रार्थना करता हूं कि थोड़ी सद्बुद्धि, मुंह नहीं खोलना चाहिए, लेकिन बंद रखना चाहिए। जी जी जी, गौरव भाटिया, वीरप्पा मोइली ने जो स्टेटमेंट दी उसको तो खुद तहसीन पूनावाला ही कंडेम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि कोई इस देश में व्यक्ति नहीं है जो इसको कंडेम नहीं करेगा। आपका 20 सेकंड का टेक। देखिए अमीर जी, ये बेवकूफी की बात है बिल्कुल। तहसीन पूनावाला मेरे भाई हैं, वो आते हैं, अपना वक्तव्य रखते हैं, लेकिन उनके वक्तव्य की मायने क्या है, उनकी राजनीतिक का वजन क्या है बात का? अरे वीरप्पा मोइली फॉर्मर लॉ मिनिस्टर रहे हैं, बहुत बड़े पद पे रहे हैं। राहुल गांधी ने आज कहा राम राज्य का माहौल नहीं है, सिद्धारमैया ने कहा बीजेपी के राम को नहीं, हम कांग्रेस के राम को मानते हैं। जी जी, तो मैं ये कह रहा हूँ राहुल गांधी का बयान माने, हम लोग सिद्धारमैया का माने, या विवेक